आज दिनांक 12/10/2020 को पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा व शहरी महापौर अवनीत कौर एक रोड उद्घाटन समारोह के लिए सेक्टर 25 पहुंची, जहां पर गाजे बाजे के साथ इस रोड का उद्घाटन किया गया। रोड काफी लंबे समय से बन रहा था, लेकिन एक लंबे समय के इंतजार के बाद रोड तो बन चुका था, लेकिन उद्घाटन आज ग्रामीण महिपाल ढांडा व महापौर अवनीत कौर द्वारा किया गया। देखिए यहाँ पर किस प्रकार इस रोड का उद्घाटन किया गया। वहीं निगम के जो 26 पार्षद है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और महिपाल ढांडा ने पार्षदों को सम्मानित किया। देखिए पूरी खबर क्या है। देखिए इस वक्त हरियाणा रिपब्लिक के साथ इस वक्त मौजूद है पानीपत ग्रामीण विधायक जिनका नाम है महिपाल ढांडा जी। जिस तरह से हम आपको कार्यक्रम दिखाते आ रहे हैं मेरा गांव मेरी सरकार, इसके तहत अब तक हम जितने भी गांव में गए हैं उनमें से कितने ऐसे गांव हैं जहां पर उन्हें निर्मल जो है गांव का वो दिया गया है, लेकिन वहां पर गांव के लोगों का अभी भी ये कहना है कि यहां पर अभी भी टॉयलेट्स नहीं है। कौन से गांव की बात है? गांव कचरोली की बात करें, गांव से टॉयलेट नहीं है, हर घर में टॉयलेट है। कौन सा घर है? खुद का कहने की बात, कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर टॉयलेट नहीं? एक घर बोलूंगा, एक घर का आदमी लेके आइए, वीडियो आ, घर में टॉयलेट नहीं है, कल इसका टॉयलेट बनवा के शुरू कर। वीडियो पड़ी है, वीडियो पड़ी है सारी लिस्ट। आपने किस तरह के टॉयलेट की बात की? आपने सामूहिक टॉयलेट की बात की, हर घर के टॉयलेट की बात की? हर घर के टॉयलेट में एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में टॉयलेट ना हो। अगर जिस घर में नहीं है तो आप हमें बताइए, उस घर के लोगों को बोलिए, फोन करिए उनको, अगर आपका पास कोई नंबर है कि भाई आप एक बार जाके विधायक जी से मिल लीजिए या गाँव के सरपंच से मिल लीजिए, उसके घर में जरूर तो हम लोग जीतगढ़ रामगढ़ उससे आगे वाला कितने ऐसे गांव थे जिनका ये नाम अभी बढ़ा रहे, काफी ज्यादा गांव है, तो वहां पर लोगों का ये भी कहना है कि ढांडा साहब आते हैं हमें काफी ज्यादा अश्योरेंस देके जाते हैं इस चीज को लेके कि आपका काम हो जाएगा। सरपंच जहां पर काम नहीं कर रहे हैं वहां वो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया। जीतगढ़ रामनगर जी सरपंच की गाँव की आप लोग बात कर रहे गाँव की, क्योंकि मेरे तो सारे गाँव भी और काम भी सब पिक्स पे है, मुझे कोई कागज देके पढ़ने की जरूरत नहीं। उस गाँव का एक भी काम नहीं बचा हुआ, एक सिंगल काम, उल्टा उनके पास मेरे अभी भी 17 लाख रुपए पेंडिंग पड़े हुए हैं और सरपंच को लगाने में दिक्कत आ रही है कि मैं इस पैसे को लगाऊं कहां पे। उन लोगों ने कहा हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनाओ, स्कूल की बिल्डिंग बनाई, उन्होंने कहा हमारी फिरनी बनाओ, फिरनी बन गई, उन्होंने कहा कि हमारे टॉयलेट सभी बनाओ, पूरे टॉयलेट बने, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाइए तो उनके वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बन गए। उन्होंने जो जो भी काम कहा, उनका हमारे गाँव का गेट बना, हमने गेट बना, जो भी काम का वही काम पलेड़ी का वो भी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी 24 लाख रुपए की लागत से एक टेबल का और एक वहाँ पर पूरा फुटेज दिखाएंगे, वही बता रहा हूँ ना, वही कुछ भी बोलेगा तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक है। अगर हम लोगों ने जो पैसे दिए उनके गांव के लोग पैसे लेने के लिए क्यों नहीं आए? उनका आपस में सरपंच का मामला इस प्रकार का है कि वो सरपंच ही चलने नहीं देते गांव में, आपस में जो तनाव रहता है, तनाव उनके गांव में ऑलरेडी है। उनके गांव की जो जो भी डिमांड आई, हमने उन डिमांड के लिए पैसा उपलब्ध कराया, आपसी लायकबाजी में ना सरपंच ने वहां पे काम किया, ना गांव के लोगों ने उनको काम करने दिया। हमने तो अभी भी बाद में जब उनका चार्ज खत्म हुआ और सरपंच का जब मामला डिस्प्यूट में आया, तब हमने उनको वीडीपीओ पे देखकर वहां पर अभी भी हमने काम शुरू करा।